यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद शांति। जिलों में हाई अलर्ट पर रही यूपी पुलिस। लखनऊ में नमाजियों को दिया गया गुलाब। यूपी में तीसरे जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 3 और 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल को लेकर इस बार सरकार ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा था। प्रयागराज के साथ साथ सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मेरठ और कई अन्य शहरों में पुलिस बल मस्जिदों के बाहर तैनात था। इसके साथ ही सभी जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शहर की अटाला मस्जिद में नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था और कहीं से किसी भी तरह की बवाल या प्रदर्शन की घटनाएं देखने को नहीं मिली। वहीं बरेली में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई। जुम्मे पर संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। वहीं राजधानी लखनऊ की जामा मस्जिद के साथ साथ टीले वाली मस्जिद में नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों को जिला तथा पुलिस प्रशासन की तरफ से गुलाब का फूल देकर अमन और शांति का पैगाम दिया गया। सहारनपुर के देवबंद की प्रसिद्ध मस्जिद रशीद और जामा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यहाँ पर नमाज के बाद पूरी तरह से शांति देखने को मिली। नमाज अदा करने के बाद किसी भी नमाजी को मस्जिद के बाहर अधिक देर तक रुकने की इजाजत नहीं दी गई। इसके साथ ही आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी और कासगंज समेत यूपी के अलग अलग जिलों में नमाजियों ने शांति के साथ नमाज अदा की। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।